मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, डायरेक्टर बोन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला न्यू दिल्ली। टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस इन यंग एडल्ट। ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप में ये बताता है कि बुढ़ापा, अगर यंग एडल्ट को बुढ़ापा आ रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो बुढ़े की लाइफ जी रहा है, यानी कि उसकी एक्टिविटी निल है, यानी कि वो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, यानी कि वो हमेशा एयर कंडीशन में रहता है, उसको सन का एक्सपोजर नहीं है। आज के समय में जिस लाइफस्टाइल को हम लोग जीते हैं, मेट्रो में जो लाइफस्टाइल हमें दी जा रही है, उसमें आप घर में एयर कंडीशन है, गाड़ी में एयर कंडीशन है, ऑफिस में एयर कंडीशन है, शाम को जब लौटते हैं तो सूरज डूब चुका होता है, ना सन का एक्सपोजर है, ना फिजिकल एक्टिविटी है, और एयर कंडीशन के बिना ज़िंदगी नहीं है। यही सबसे बड़ा रीज़न है यंग एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस का। अदरवाइज नेचुरली यंग एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकती। दूसरा रीज़न हो सकता है कि अगर यंग एडल्ट जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है यंग एडल्ट्स को, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ एंटीकोगुलेंट होते हैं जिनकी वजह से। तो बट प्रिवेंशन के लिए क्या करना, प्रिवेंशन के लिए दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर यंग एडल्ट ऑस्टियोपोरोसिस इज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। चलोगे तो चलोगे।